जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यदि आप 500 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए या फिर 5000 रुपए खर्च करेंगे किसी पंडित को या फिर किसी ज्योतिषी को देने में, तो भी वह आपको इतना सटीक उपाय नहीं बता पाएगा जितना सटीक उपाय आज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और आपका जो रिजल्ट है वह मैं खुद नहीं बोलूंगी, आप खुद कमेंट में आकर बताकर जाएंगे कि आपको इसका कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। बस मेरी शर्त केवल इतनी सी है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आप ये जो अधूरा ज्ञान लेकर चले जाते हैं, वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, यह बहुत हानिकारक होता है दोस्तों। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा लाभ उठाएं। और यदि वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपको कोई परेशानी है या आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी उत्तर देने का प्रयास करूंगी। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करती हूं और आपके भी प्रश्न का उत्तर मैं डेफिनेटली दूंगी। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा दोस्तों, आपकी जो परेशानियां हैं वो बस चुटकियों में समाप्त होती नजर आएंगी। उसके बाद जैसे ही आप उपाय करेंगे तुरंत ही असर होना आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको इसमें क्या करना है, आपको केवल एक फिटकरी लेनी है। दोस्तों ये जो फिटकरी के चमत्कार है ये इतने असरकारी चमत्कार है कि ये सभी मुसीबतों का निपटारा कर देते हैं। बैक टू बैक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, चाहे वह आपकी शारीरिक समस्या हो, घर में अशांति हो, पैसे से जुड़ी समस्या हो, शादी में दिक्कत आ रही है, शादी में देरी हो रही है, या शादी में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, या फिर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो, तो फिटकरी का यह जो उपाय है यह इन सभी समस्याओं में बहुत कारगर है। दोस्तों ये ऐसे उपाय हैं जो बहुत ही मेहनत से पुराणों से पढ़कर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। पहले मैं इन उपायों को अपने ऊपर प्रयोग करके देखती हूँ, उसके बाद ही आपको 1001% रिजल्ट वाले उपाय बताती हूँ। इनका वर्णन हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में भी किया है और इनका वर्णन गुरुजी ने अपनी कथा में भी किया है, और हमारे पूर्वज भली भांति इन उपायों के बारे में जानते थे, मगर आधुनिक समय में हम में से अधिकतर लोग इन उपायों के बारे में नहीं जानते हैं। इनकी जानकारी से हम लोग अछूते ही रह जाते हैं। यह दुर्लभ जानकारी हमारी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम इन वेद पुराणों को नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हीं वेद पुराणों में से मैं कुछ छोटे छोटे उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप में से किसी एक की भी परेशानी हल हो गई तो मेरा ये जो काम है, ये जो वीडियो बनाने का मेरा प्रयास है दोस्तों, ये सार्थक हो जाएगा। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरे घर में आपको इस चीज का छिड़काव करना है जो मैं आपको यह बताने जा रही हूँ। हमारे चैनल का केवल एक ही मकसद रहा है दोस्तों कि हमारा जो वेद पुराणों का ज्ञान है उस ज्ञान से आप सभी को अवगत कराया जाए, ताकि आप अपनी परेशानी से, अपनी समस्या से निजात पा सके, जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सके। दोस्तों हमारे घर में अधिकांश समस्याएं घर में नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होती है। घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो कहीं ना कहीं यह दिक्कत आ जाती है कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में कलेश मच जाता है, मन मुटाव पैदा हो जाते हैं, तरक्की रुक सी जाती है, और उसके बाद हमारे घर में कलेश, अशांति और असफलता का भी वास होता चला जाता है। यदि आपको भी कुछ इसी तरह का महसूस होता है तो आप इस सरल से उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा दोस्तों। जी हाँ, आप मेरे कहने से एक बार जरूर करके देखिए। आपको एक कांच का बर्तन लेना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप एक कांच का बर्तन ले लें और उसमें पिसी हुई फिटकरी डाल दें, फिर उस कांच के बर्तन में पानी डाल देना है ताकि जो फिटकरी है उस पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। इस प्रयोग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। फिटकरी घुल जाने के बाद उस पानी का क्या करेंगे, उस पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दें। खास करके अपने घर के कोनों में इस पानी का छिड़काव जरूर करें और अपने घर के मेन द्वार पर भी इस पानी का छिड़काव जरूर करें, और आपका जो स्टोर रूम है जहां पर आप अपना फालतू का सामान रखते हैं उस जगह पर भी इस पानी का छिड़काव अवश्य करें। इस पानी का छिड़काव आपको मंगलवार और शनिवार के दिन करना है। जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा रहता है उस समय आप इस उपाय को इन दोनों दिन में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आप इस उपाय को मंगलवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा रहता है उस समय
आप इन दोनों दिन में से किसी भी एक दिन इस उपाय को करिए और ऐसा आपको एक ही दिन करना होगा। यदि आप चाहें तो इसे मंगलवार के दिन कर सकते हैं या फिर आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी निर्धारित दिन के निर्धारित समय पर इस फिटकरी का छिड़काव अपने घर में कर लीजिए। ये बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। यदि इस आसान से उपाय की वजह से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो इस उपाय को करने में क्या हर्ज है, तो क्यों ना इस उपाय को कर ही लिया जाए कि घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी और आपके घर में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। ऐसा करने से आपके लंबे समय से रुके हुए सारे काम होने लगेंगे। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, लगातार आपको व्यापार में हानि हो रही है, तो आपको इससे बहुत ही जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपको संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, या फिर घर में मानसिक अशांति रह रही है, या फिर घर में हमेशा ही कलेश बना रहता है, तो ऐसे में यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यदि किसी व्यक्ति के परिवार जनों के बीच हमेशा ही मतभेद बना रहता है, कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, तो वहां पर भी आप इस उपाय को जरूर करिए दोस्तों। आपको इसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपको नौकरी में देरी हो रही है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, किसी भी तरह की आपकी परेशानी हो, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा दोस्तों। आप इस उपाय को अपने परिजनों के साथ भी शेयर करिएगा और साथ ही साथ आप हर समय अपने इष्ट देव को जरूर याद करिए। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि नाम जप से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। नाम जप करने से ही आपके सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके मन में हमेशा शांति बनी रहेगी। इसके लिए आपको किसी मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नाम जप किया करें और साथ ही इन छोटे छोटे उपायों को भी करिए दोस्तों, और अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाइए। फिटकरी और भी कई चीजों में लाभकारी है, उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे होगा ये कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं कुछ इसी तरह की नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।